बड़ा गलत किया तुमने वैसे तो बस। अच्छा खासा वो तुम्हें लेने आया था, तुम्हें चाहिए था कि चुपचाप उसके साथ चली जाती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। कैसे करती, आदत जो पड़ गई है तुम्हें शौहर पे हुक्म चलाने की, गलती हो गई। हमें तो भागते हुए अकबर के पीछे गई थी, लेकिन वो रुके ही नहीं, चले गए। मर्द की फितरत में झुकना नहीं है तबस्सुम। अकबर को भी देख लो, वो सिर्फ उस वक्त तक तुम्हारे सामने दबा सहमा रहा जब तक वो कमाता नहीं था। आज तुमने एक बार मना किया और उसने पलट कर तक नहीं देखा। तो बदल गए हैं क्या? इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अगर तुम अपने घर वापस नहीं गई तो बहुत कुछ बदल जाएगा। तबस्सुम बेटा, तुम्हारे सर पे बाप का साया नहीं है, ना तुम्हारा कोई भाई है। मैं इज्जत में बैठी हुई, समझ नहीं आता कि ये मामला कैसे सुलझ पाएगा। चाहती है कि मैं अकबर को फोन करूं और उसे माफी मांगूं। मैं सिर्फ ये चाहती हूं, जैसे तुम इस घर में आई थी वैसे ही वापस चली जाओ अपने घर। नहीं अम्मी, पर मैं ऐसी चली गई ना, पर की अम्मी तो मुझे ताने दे दे कर मार देंगी। उस दिन फोन पे उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की है। इज्जत बचानी है या घर, खुद ही फैसला करो।